और उसके किरदार को देखकर फैसला करता है। मैं अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से, अपने वफापरस्त साथियों से कहना चाहूंगा कि इस कड़े वक्त में आप किसी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें और साबित कदम रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें और दुआ अल्लाह से करें। बाकी अल्ताफ हुसैन नाम ही जुर्रत, हिम्मत और साबित कदम रहने वाले का है। सैकड़ों मरतबा ऐसे मराहिल से गुजर चुका हूँ और अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी, मैं साबित कदम रहा और मैंने कभी किसी बड़े से बड़े कठिन हालात में मायूसी इख्तियार नहीं की मैंने, और ना आज मुझे कोई मायूसी है, क्यों के जो बड़े मकासद होते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करता है वो फेयर ट्रायल का हक मिलेगा, क्योंकि आई बिलीव इन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियरी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करम है, बस कोविड के बाद जो आपसे अलग हो गए, आप उनके रोल को कैसे देखते हैं इस वक्त जो कराची की जो सिचुएशन है? क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की और आपके अंडर जब थे उस वक्त क्या सिचुएशन? इसका बेहतर अवाम, कराची के अवाम, सिंध के शहरी और दही इलाकों के अवाम सब देख रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि जब अल्ताफ हुसैन मौजूद था और जब तक चले जाने वालों का भी एतमाद एमक्यूएम पर था, जो एजेंसियों, आईएसआई, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो झुक गए, कल तक जब वो एमक्यूएम के साथ थे, अल्ताफ हुसैन के साथ थे, तो दुनिया जानती थी कि एक आवास पर क्या होता था। और आज जो कुछ, जो आवाम की हिमायत उनके साथ है, वो भी सिंध के आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खुसूसन कराची के। पाकिस्तान वाले जो आपसे अलग हो गए, आप उनके रोल को कैसे देखते हैं इस वक्त जो कराची की जो सिचुएशन है? क्या उन्होंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की और आपके अंडर जब थे उस वक्त क्या सिचुएशन? इसका बेहतर अवाम, कराची के अवाम, सिंध के शहरी और दही इलाकों के अवाम सब देख रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि जब अल्ताफ हुसैन मौजूद था और जब तक चले जाने वालों का भी एतमाद एमक्यूएम पर था, जो एजेंसियों, आईएसआई, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के आगे जो झुक गए, कल तक जब वो एमक्यूएम के साथ थे, अल्ताफ हुसैन के साथ थे, तो दुनिया जानती थी कि एक आवास पर क्या होता था।
और आज जो कुछ जो आवाम की हिमायत उनके साथ है वो भी सिंध के आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खुश थैंक यू वेरी मच। बस आप प्लीज।